hello everyone welcome back to my channel so this is the part two for the exercise 3.1 that we were solving in the last previous video so we have covered first six questions for the exercise 3.1 and in this video we will be covering the rest solutions and then we will be completing the first exercise ओके सो लास्ट वीडियो में वी हैव कवर्ड सिक्स क्वेश्चन तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद इन सेवंथ क्वेश्चन ओके सो आप एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन के सेवन क्वेश्चन देख सकते हो कि वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन तो आप देख सकते हो हमें गिवन है कि दो मैट्रिसेज इक्वल है जो सिक्स क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया है और इस क्वेश्चन में जस्ट हमें ए बी सी और डी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम सबसे पहले मैट्रिस लिखते हैं दोनों ए माइनस बी टू ए प्लस सी टू ए माइनस बी थ्री सी प्लस डी ये हमें फर्स्ट मैट्रिक्स ही बना है और यह बना है वो सेकेंड मैट्रिक्स से इक्वल है माइनस वन फाइव जीरो एंड थर्टीन ओके सो वी हैव बीन गिवन दैट दीज टू मैट्रिसेज आर इक्वल एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है सो so, मैंने आपको बताया था जब दो मैट्रिसेज इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स भी एलिमेंट्स uh, भी इक्वल होते हैं तो आप देख सकते हो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आई माइनस वन ये फर्स्ट इक्वेशन आई टू एनस बी की वैल्यू क्या आई जीरो सेकेंड इक्वेशन है टू ए प्लस सी की वैल्यू है फाइव एंड थ्री सी प्लस डी की वैल्यू है थर्टीन तो हमारे पास फोर इक्वेशन आ गए जिसमें हर इक्वेशन में हमें दो वेरिएबल्स गिवन है सो so, क्या करते हैं हम सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं जिसमें ए और बी की वैल्यू है तो हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से सो so, ओके okay. तो हमें गिवन है a माइनस बी है माइनस वन और टू ए माइनस बी है हमारे पास जीरो ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है ओके okay. ये दो इक्वेशंस गिवन है सो so, हम फर्स्ट टू इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू निकालते हैं तो मैं जस्ट क्या कर रही हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सब ट्रैक्ट कर रही हूँ तो माइनस वन और माइनस जीरो माइनस वन बी बी और बी कैंसिल आउट हो गए और माइनस टू है ए माइनस ए तो माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस वन आया माइनस माइनस कट ए की वैल्यू वन सिमिलरली ए की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में तो बी निकल जाएगा वन माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस वन माइनस बी इज इक्वल्स टू वन को हमारे जाएंगे माइनस वन माइनस वन माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू माइनस माइनस कैंसिल बी इज इक्वल्स टू टू ए और बी की वैल्यू आ गई अब थर्ड इक्वेशन में हम ए की वैल्यू सी तो कर देते हैं टू वन प्लस सी इज इक्वल्स टू फाइव c इज इक्वल्स टू फाइव माइनस टू सी की वैल्यू आ गई थ्री ए बी और सी निकल गया c की वैल्यू हम फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देते हैं थ्री थ्री प्लस डी इज इक्वल्स टू थर्टीन नाइन प्लस डी इज इक्वल टू थर्टीन डी इज इक्वल्स टू थर्टीन माइनस नाइन फोर तो d की वैल्यू आ गई फोर अब हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू आ गई तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन सॉल्व हो गया ओके okay? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट ओके क्वेश्चन नंबर एट है हमारे पास कि हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है ए आई जे एम क्रॉस एन की फॉर्म में गिवन है और हमें कंड गिवन है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें बताना है कि इफ एम जो है वो लेस देन एन होगा एम जो है ग्रेटर देन एन होगा एम इक्वल टू एन होगा या नन ऑफ दीज ऑप्शन तो हमें एक ऑप्शन बताना है एमसीक्यू है ये तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन की एक स्क्र मैट्रिक्स है तो मैंने आपको याद है टाइप्स ऑफ मैट्रिकेस जो मैं आपको वीडियो दिखा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि स्क्वेयर मैट्रिक्स क्या होता है स्क्यर मैट्रिक्स हमारा वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं और एम और एन इसमें कुछ और नहीं है एम ओर एम क्रॉस जो है वो बेसिकली ऑर्डर है मैट्रिक्स का और जहां पे एम जो है वो इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को नंबर ऑफ रोज और एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को तो स्क्वेर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है एम इज इक्वल टू एन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पेयर ऑफ मैट्रिसेज इक्वल तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी किन एक्स और वाई की वैल्यूज में ये मैट्रिक्स हमारा इक्वल होगा लेट्स एज्यूम दैट ये मैट्रिसेस हमारा इक्वल है तो अगर हमने ये एज्यूम किया और एक्स और वाई की वैल्यू निकाली तो हमें पता चल जाएगा कि वो सही है कि नहीं कैसे हमें गिवन है पहला थ्री एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो अगर ये दोनों मैट्रेसेज इक्वल है तो ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आई सिंपली माइनस सेवन बाय थ्री ये आई अब इसमें देखो फाइव जो है वो वाई माइनस टू की इक्वल है तो फाइव वाई माइनस टू की इक्वल है तो वाई क्या आया हमारा सेवन एक्स और वाई की हमारे पास वैल्यू आई अब हम नीचे सेकेंड रोक से कंसिडर करते हैं वाई प्लस वन एट है तो वाई की वैल्यू इसमें क्या आई एट माइनस वन सेवन सही है फर्स्ट रो में भी यही निकली थी सेकेंड में भी निकली थी तो हमारी y की वैल्यू निकल गई इन केस एक्स दो मैटर इक्वल है तो y की वैल्यू सेवन होगी अब हमें इसमें निकालनी है टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर अब हम इधर लेके जाएंगे माइनस थ्री एक्स हमारा हुआ फोर माइनस टू माइनस थ्री एक्स हमारा हुआ टू एक्स की वैल्यू आई हमारी माइनस टू बाय थ्री इधर आई थी हमारी माइनस सेवन बाय थ्री यहां आ रही है माइनस टू बाय थ्री तो एक्स की वैल्यू आए थे माइनस सेवन बाई थ्री और टू बाय थ्री ऐसा हो ही नहीं सकता एक वैल्यू आनी चाहिए तो इसका सही आंसर है बी नॉट पॉसिबल टू फाइंड ओके अब तीनों में देखो इसमें हमारी सेम है वाई वाई ठीक आ रही है ये तो गलत है क्योंकि वाई की वैल्यू सेवन है तो इसमें हमारी माइनस वन बाय थ्री माइनस टू बाय थ्री लेकिन एक बार हमारी माइनस सेवन बाय थ्री आ रही है एक बार माइनस टू बाय थ्री आ रही है तो बी ऑप्शन इज करेक्ट टेंथ क्वेश्चन है हमारे पास कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिकेस हमें बतानी है एक मैट्रिक्स की जिसको ऑर्डर किया थ्री क्रॉस थ्री विथ ईच एंट्री जीरो और वन मतलब समझो यहाँ हमें गिवन है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर है थ्री क्रॉस थ्री और हमें पता नहीं है कि उसमें कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिकस बन सकते हैं लेकिन प्री रिक्वेस्टिड किया है हमारी हर एंट्री हर एक एलिमेंट उस मैट्रिक्स का आइदर जीरो होना चाहिए या वन होना चाहिए ओके okay, सो so हमें गिवन है नंबर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर किया थ्री क्रॉस थ्री तो आप क्या निकाल सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज थ्री नंबर ऑफ कॉलम्स थ्री तो थ्री क्रॉस थ्री इन हमें पता चल गया कि जो भी हमें मैट्रिस की पॉसिबल बतानी है फाइंडिंग्स कितनी पॉसिबल एडजस्टमेंट उस मैट्रिक्स की रीअरेंजमेंट हो सकती है हर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होंगे नाइन अब हमें सेकेंड फ्री रिक्वेस्टेड है कि मैट्रिक्स का आइदर वैल्यू जीरो होगी और आइदर वैल्यू वन होगी तो हर एक एलिमेंट का पॉसिबल कॉम्बिनेशन पॉसिबल चॉइस क्या हो सकती है आइदर जीरो और वन तो हमें क्या बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स या नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस तो क्या है हमारा फर्स्ट एलिमेंट हमारा जीरो या वन ऐसे हमारे पास टू चॉइसेस हो सकती हैं और कितने एलिमेंट्स हैं नाइन तो टू टू दावर नाइन हमारे पॉसिबल मैट्रेस होंगे और टू टू दावर नाइन इज फाइव वन टू तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है ओके सो आर एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन इज कम्पलीटेड और ये आप देख सकते हो कि हमने जो लास्ट ही वीडियोज में कंसेप्ट क्लियर करे थे सारे कंसेप्ट पूरे एक्सरसाइज में वही यूज हुआ है उसके अलावा कुछ प्री रिक्वेस्टेड नहीं हुआ यूज सो आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी आपको हरेक क्वेश्चन क्लियर होगा रिवाइज कर लो अगर कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स सेक्शन सो दिस इज अ फॉर द वीडियो वी विल बी कवरिंग द नेक्स्ट कंसेप्ट एंड वी विल बी कवरिंग द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस ऑफ द चैप्टर मैट्रेस ओके आई होप यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन केस यू हैव एनी क्वेरी राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू एवरी वन